आज मैं पता है जानबूझ के स्लाइड्स मैं कुछ नहीं लेके आया, आप लोग अभी कुछ टाइम तक से प्रिंटेड स्लाइड देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सोचा है इस नॉन रूटीन में मैं अपना एक नॉन रूटीन एफर्ट मारता हूं। ये थियोरी इस तरीके से मेरी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज अटेंड दिस लेक्चर प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, और मेरा ये मानना है कि जब प्रिंटेड स्लाइड्स होती है ना मैं थोड़ा सा फास्ट चला जाता हूं, तो इस चीज से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज लेके आया। राइट गाइस, चलिए थैंक यू सिद्धार्थ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, है ना, इतना तो हमें नोशन है ही सही। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे गाइस हम लोग केवल। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बेसिकली इनको प्यार से आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनको आप प्यार से नेचुरल नंबर बोलते हैं। राइट गाइस, चलिए तो अब मैंने बेटा किसी को भी ब्लॉक नहीं कर रखा, और अगर किसी को ब्लॉक कर रखा होता तो उसका मैसेज मुझे दिखता नहीं। एंड द फैक्ट दैट आई कैन सी योर मैसेज संस्कार। चलिए पॉजिटिव इंटीजर, अब देखिए मैं फोर का एग्जांपल लेता हूं। अब फोर की टेबल, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ये लिखते हैं। अब किस किस की टेबल में फोर आता है भाई, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, टू की टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर की टेबल, फोर वन जा फोर। राइट, तो भाई जिस जिसकी टेबल में, जिस जिसकी ये टेबल लिखी हुई है ना, ये टेबल है, ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन फैक्टर्स का। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ नंबर एन आर नंबर्स विच डिवाइड इट, जो डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल टू डिवाइड, ये किसका साइन है गाइस, टू डिवाइड फोर इंप्लाइज टू इज फैक्टर ऑफ फोर, टू इज फैक्टर ऑफ फोर, या फिर डिवाइजर, डिवाइजर भी बोलते हैं इसको ना, डिवाइजर भी बोल देंगे। राइट गाइस, ये फर्स्ट डेफिनेशन। मल्टीपल क्या होता है, इफ एन डिवाइड एम देन एम इज मल्टीपल ऑफ एन। और मैंने देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पे हम लोग जनरली अभी डिफाइन जो कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इफ एम इज इक्वल टू एन क्यू, क्यू नेचुरल नंबर है, एम एन भी नेचुरल नंबर है, इट इंप्लाइज एन इज फैक्टर ऑफ एम एंड एम इज मल्टीपल ऑफ एम, मल्टीपल ऑफ एम। बताइए समझे क्या आप लोग मेरी बात, इतनी सिंपल सी कहानी समझे नहीं समझा, इतनी सिंपल सी कहानी, इतनी सिंपल सी कहानी समझे नहीं समझा। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। सर अपन नेगेटिव नंबर्स की बात क्यों नहीं करते दोस्तों, अभी क्या है जो समाज है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, हर जगह हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव बात करते हैं। अभी आप कुछ भी डेटा देखते हैं तो आप ये तो देखते हैं पॉजिटिव कितने आए, कि पॉजिटिव कितने आए, पॉजिटिव कितने आए, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव की बात करें। ठीक है गाइस, सीक्वेंस एंड सीरीज के सॉल्यूशन डल चुके हैं कब के ट्रैकर के अंदर, कब के डल चुके, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डन, डन गाइस, चलिए व्हाट अबाउट एल्गोरिथम, लॉगरिथम बाद में, लॉगरिथम बाद में।
ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेट एन इक्वल टू 18, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 18, ऑल्सो फाइंड देयर सम, सम भी निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी निकालना है, बताइए। तन में धीरे धीरे इंप्रूव होगा बेटा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। बताइए गाइस, कम ऑन, बताइए गाइस, क्या आप लोगों को समझ में आया? आगे क्या, आगे क्या बताओ? 6 और 39, देखो अब मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज सिखाऊंगा ना। पहले तो अपन एलिमेंट्री, भाई देखो हमें गिनना आता है नहीं आता, पहले तो ये देख लेते हैं भाई 18 है। अब मैं पता है इसकी ट्रिक बताता हूं तुम्हें, बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। जैसे 18 है, ये 1 की टेबल में आता ना, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, बस यही है और क्या, राइट। तो अब देखो ये जो सारे नंबर है ना गाइस, ये भी फैक्टर है, 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 इनको लिस्ट कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सो अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। 6 divisors आर देयर, राइट। 6 divisors हो गए एक तो। अब देखो यहां पे मैंने आप लोगों को सम करने के लिए बोला था, 27 और 6 कितना होता है, कितना होता है यार, 33 और 6 39, राइट, 39। अब आप सोचो सर ये तो बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़े नंबर के क्या हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर ये सम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या हम ये भी निकाल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सर ये 1 और 18 ये मजा नहीं आया सर इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमेशा डिवाइजर होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, 1 and 18 आर इम्प्रॉपर डिवाइजर का मतलब क्या होता है गाइस? इम्प्रॉपर डिवाइजर वो होते हैं जो बहुत ऑब्वियस है, या फिर इनको ट्रिवियल डिवाइजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? टर्म है, टर्म देख के परेशान मत होना, ट्रिवियल डिवाइजर्स, राइट। ट्रिवियल मतलब जो ऑब्वियस होता है, राइट गाइस, ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस। यार 1 और 18 तो होंगे ही होंगे, मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 42 हो गया भाई, 42 तो 42 को डिवाइड करेगा इसे, 1 हमेशा हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो जो ऑब्वियस है ना उसको अलग से नहीं गिनेंगे, बाकी जो सब है ना वो क्या है गाइस? प्रॉपर डिवाइजर्स। अब देखो इसका मतलब एक बहुत अमेजिंग हमें डेफिनेशन आ गई। प्राइम नंबर के लिए क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर के 2 ही डिवाइजर होते हैं, वो खुद और 1। तो अब हम प्राइम नंबर के लिए क्या बोलेंगे गाइस? स्टार मार्क करके, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी प्रॉपर डिवाइजर, है कि नहीं? कुछ बच्चों को ये डेफिनेशन पहली बार मिली होगी, कुछ बच्चे पहले से जानते होंगे, समझे क्या आप लोग? भाई अगर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यार, मतलब खुद सोच के देखो कि इमेजिन करो, मतलब जैसे आपका आपके मतलब ये क्या ना, ये प्रॉपर्टीज बताते बेसिकली। जैसे मान लो मैं एक बच्चे का नाम लेता हूं, जैसे अनिल कुमार है। अब अनिल कुमार को देखकर मैं ये बोल सकता हूं कि वो, उसका नाम अनिल कुमार है। अब अनिल और कुमार, उसके बारे में बहुत ऑब्वियस इंफॉर्मेशन है अनिल और कुमार, क्योंकि लिखा हुआ है यार, दिख रहा है मुझे। बट
अगर मैं ये बता पाऊं वो कौन सी सिटी में, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मतलब ऑब्वियस इंफॉर्मेशन थोड़ी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एयर की 2369 देखने में पता चलेगा, राइट। तो ये प्रॉपर डिवाइसेस है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये देखो श्रुति वर्मा, इसको लग रहा है कि सर को फॉर्मूला नहीं आता, तो चैट में लिख देती हूं ताकि फिर सर देख लेंगे और फिर हमें भी बता देंगे। अब देखो गाइस, अगर ये मान लीजिए ये एन है, ये डिवाइजर वन इंटू डिवाइजर टू लिखा आपने, जैसे यहां पे देखो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि भाई डिवाइजर वन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू डी टू है, तो क्या मैं कॉन्क्लूड कर सकता हूं कि डी वन लेस देन इक्वल टू रूट एन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देखो मेरे को पर्सनल लगता है कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखे ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जैसे 16 है या फिर 18 ही ले लो ना, 18 को देखो डिवाइजर 1 इंटू डिवाइजर 2 लिखा, डिवाइजर 2 इंटू डिवाइजर 3 इंटू डिवाइजर 4, डिवाइजर 5 इंटू डिवाइजर 6। अब इनमें से एक नंबर देखो रूट 18 तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। अब देखो आप देख पा रहे हो हर एक पेयर के अंदर एक नंबर ऐसा है जो रूट एन से छोटा है, एक नंबर ऐसा है जो रूट एन से बड़ा है, एक नंबर ऐसा है जो रूट एन से बड़ा है। ऑब्वियसली होगा यार, मतलब सर ये तो बिल्कुल ही आप इतनी ऑब्वियस चीज बता रहे हो हमें। अगर दोनों नंबर रूट एन से बड़े हो गए तो इनका प्रोडक्ट रूट एन से बड़ा हो जाएगा, दोनों नंबर रूट एन से छोटे हो गए तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट रूट मतलब एन से छोटा हो जाएगा, राइट राइट राइट। बोल दो ना जरा, समझे गए आप लोग? बोलो, ठीक है, समझे आप? देखो डिवाइजर पेयर का एग्जांपल लेके भी समझे आप लोग कि भाई एक नंबर हमेशा रूट एन से छोटा होगा और एक नंबर हमेशा रूट एन से बड़ा होगा, राइट। ये समझ गए कि भाई अगर आप एक नंबर को डी वन इंटू डी टू लिख रहे हो तो डी वन लेस और डी वन लेस देन इक्वल टू डी टू है। अब ये इक्वालिटी का केस कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मान लो एन 36 है तो इसको आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो, उस केस में डी वन इक्वल टू डी टू दोनों 6 आ जाएंगे, राइट गाइज। समझे नहीं समझे आप बताओ, समझे नहीं समझे? देखो दोस्तों बहुत एडवांस तरीके से पढ़ा के देख रखा है मैंने, बच्चों को बेसिक से समझ में आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट राइट गाइज राइट। चलिए आज के लेक्चर में फील आना तय है, समझ रहे हो? जिसको आप फील बोलते हो ना वो आना तय है आज के लेक्चर में, पक्की बात। चलिए तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, है ना, सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिर यहां पे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, एक और इंपॉर्टेंट, टू चेक इफ एन इज प्राइम चेक इट्स डिविजिबिलिटी टिल स्क्वायर रूट ऑफ एन, इट्स डिविजिबिलिटी ऑफ, इस पॉइंट को समझाऊंगा मैं भी, है इस पॉइंट को समझाऊंगा गाइस, है ना। इसको लिख लो आप और डन बोल दो, फिर मैं समझाता हूं इसको, आप लिख लो फिर डन बोल दो, ठीक है। बोलो भाई, बताओ डन?
भाई प्रेम पत्रो बहुत अमेजिंग आदमी है भाई। नितिन विजय सर को तो मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत अमेजिंग आदमी है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है, फाइंड इफ 943 इज प्राइम नंबर और नॉट। बताइए प्राइम नंबर है या नहीं भाई, क्या होता है प्राइम नंबर, बताओ प्राइम नंबर है या नहीं। सर अब आप पहले की तरह क्यों नहीं पढ़ाते, पहले की तरह मतलब, पहले की तरह मतलब लेजेंडरी क्वेश्चन भी आएगा। सर प्लीज टेल मी हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। बेटा अगर मेरे को ये पता होता ना तो मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब होती मेरी भी, बट मेरी नहीं थी तो फिर मैं कैसे ज्ञान दे दूं। मैं वही ज्ञान देता हूं जो मैंने खुद ने किया हो, देखा ही आपने, समझ रहे हो। सेम ही होती है, 3 नंबर का भी सेम होता है बेटा, वही तो। नॉट, अगर अगर भाई नॉट अ प्राइम नंबर है ना तो ये भी बताओ, फाइंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर डिवाइडिंग, अगर ऐसी बात है तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर डिवाइडिंग भी बताओ, बताओ। अभी गाइस 1-2 दिन में कॉल नहीं उठा रहा हूं, केवल क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है। 23 बताओ, इट इज नॉट प्राइम डिविजिबल बाय 23, इट इज नॉट प्राइम डिविजिबल बाय 23, देखते हैं। देखो गाइस अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 943 निकालो, ये तकरीबन तकरीबन 30 के करीब आएगा है ना, 30 पॉइंट समथिंग। अब इससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिस्ट कर लो है ना, और इन सबसे डिवाइड करो इसको, इन सबसे डिवाइड करके देखो भाई। 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से भी नहीं है ना, पीछे 5 होता। 7 से करके देखा 91, 33 नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 13 से करके देखा भाई 13, 7 या 91, 33 आ रहा नहीं है, 17 से करके देखा 5, 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है, 23 से है, 23 से है 41 टाइम्स। तो 943 क्या है गाइस, 23 × 40। भाई अगर मिलना होगा ना इसका कोई प्राइम फैक्टर मिलना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ उससे पहले मिल जाएगा, समझ रहे हो, उससे पहले मिल जाएगा। मतलब आप लोग ये समझ रहे हो कि भाई इतने बड़े नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक करके निकाल सकते हैं सर्टेनिटी से, तो इसका आंसर 23 आएगा, मतलब 41 आएगा सर। लार्जेस्ट प्राइम क्या हो गया, 41, लार्जेस्ट प्राइम क्या हो गया, 41, राइट गाइस। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, राइट गाइस, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपको ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आई होप आप लोगों को सिखाया, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब गाइस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत फंडामेंटल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा याद है क्या आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा ये थी कि अगर डिग्री एन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एन रूट्स होंगे, राइट। लेम्स लॉजिक से यहां पे मैं बताता हूं, ठीक है। इस ये क्या बोलती है, अ पॉजिटिव इंटीजर एन, अ पॉजिटिव इंटीजर एन हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन गिवन अरेंजमेंट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट कंसिडर्ड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्राइम नंबर का अरेंजमेंट कंसिडर ना किया जाए. राइट गाइज, राइट गाइज. मेरी बुक नेक्स्ट ईयर बेटा देखो, उसके सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब टाइप हो ही चुके हैं, बहुत जल्दी आएगी. उसमें जो भी गलतियां हैं वो भी रेक्टिफाई की हैं, कुछ चीजें ऐड भी की हैं, जैसे पीएनसी में ग्रिड प्रॉब्लम्स ऐड की हैं. अब देखो इसको समझते हैं अपन लोग. जैसे मान लीजिए गाइज एन आपका है, मान लो 144. अब अगर आप इसको बचपन में जैसे फैक्टराइज करते थे वैसे करोगे तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 आएगा. अब अगर आप ये ऑर्डरिंग को डिस्कार्ड कर दो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा कहती है. राइट राइट राइट. पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री एन की पॉलिनोमियल इक्वेशन. सिद्धार्थ, डिग्री एन की पॉलिनोमियल इक्वेशन. बेटा देखो इनमो आरएमओ के लिए लर्न हटके करके सीरीज स्टार्ट कर दी हम लोगों ने ऑलरेडी, आप लोग देख भी रहे हैं उसके वीडियोस. ठीक है, लर्न हटके. थ्री की पावर टू है बेटा, है ना, 3 की पावर 2. ठीक है, तो भाई 2, 3 को इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी यूनिक फैक्टराइजेशन. अब हम यहां से निकालना चाहते हैं गाइस नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, ध्यान से देखना. नंबर ऑफ डिवाइजर्स. अब मेरे बच्चों ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो भाई जो डिवाइजर है डी वो ऑब्वियसली इस तरह का होगा, होगा नहीं होगा, इस नंबर का, इस नंबर का. ठीक है, अब ए क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. बी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. राइट, अब भाई ये क्यों हो सकता है, जैसे देखो इसका डिवाइजर आप मान लो नंबर्स को पावर्स ऑफ प्राइम की तरह सोचने की कोशिश करो. ये जैसे डिवाइजर 1, आप लोगों ने 1 लिया, इसको मैं 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 बोल सकता हूं. ए और बी दोनों की वैल्यू 0 0 ले ली, कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो 16, तो भाई 2 की पावर 4 × 3 की पावर 0. तो आपने क्या किया, ए की वैल्यू 4 ले ली, बी की वैल्यू 0 ले ली. इसका मतलब गाइस आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि, ऐसे इमेजिन करो कि ये ग्रिड है, है ना, ठीक है, ये बी की वैल्यूज है 1 0 1 2, ये ए की वैल्यूज है 0 1 2 3 4. अब आप सोचो कि आपको यहां पे डिवाइजर रखने, तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 8 आएगा, यहां पे 16 आएगा. क्या है ये, क्या कर सर, ये कर क्या रहे हो आप, ये बताओ पहले, समझाओ इसको कर क्या रहे हो आप. मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने यहां पे इस टेबल में 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 लिया है, यहां पे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 0, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 0, फिर यहां पे 3 9, 2 में 3 मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा यार, 18 है, 18 आएगा क्या, 12 24 48, एक्सक्यूज मी, ये आ गए भाई सारे डिवाइजर लिस्ट कर दिए क्या तुमने. देखो ये डिवाइजर को लिस्ट करने का बहुत शानदार तरीका है या नहीं, बताओ, डिवाइजर को लिस्ट करने का शानदार तरीका है या नहीं, बताओ. हाँ बेटा कोशिश तो यही है, पूरा प्री आरएमओ कराने की कोशिश तो है, बताओ है या नहीं, है या नहीं है गाइस, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा हम किसी से कहूंगा नहीं. राइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला देखो गाइस, जैसे मान लो मैंने टेबल आपको समेशन के अंदर टेबल दिखाई थी ना, कि भाई ए, ये सारी वैल्यूज ए की हैं, ये सारी वैल्यूज बी की हैं, तो इस कॉलम में
जीरो और जीरो मतलब टू की पावर जीरो रहेगी, थ्री की पावर जीरो रहेगी। इस वाले में टू की पावर वन रहेगी, थ्री की पावर जीरो रहेगी। इस वाले में टू की पावर टू रहेगी, थ्री की पावर वन रहेगी। समझे क्या? इस तरह से मैंने सारे डिवाइजेस बनाए। कितने डिवाइजर बने? टोटल 15। अब 15 ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि इधर मैं कितनी वैल्यूज ले सकता हूं? 5। इधर मैं कितनी वैल्यूज ले सकता हूं? 3। इधर मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूं? 3। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 5 × 3। या फिर नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे गाइस? a+1 × b+1। ठीक है, इफ n इज प्राइम नंबर 1 की पावर a, प्राइम नंबर 2 की पावर b। छाप लो भाई, छाप लो। अब बताएं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये लिखवाने का फायदा क्या है? मैं आपको बताता हूं, इसको लिखने का फायदा क्या है मैं बताता हूं आपको। देखना, आपको पक्का मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, समझना आपकी गारंटी है, मजा आएगा ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो, जब आपने ऐसे लिखाना गाइस इसको, तो अब देखना मैं क्या लिखूंगा। सम ऑफ डिवाइजर्स को आप लोग ऐसे देख पा रहे हो, देखो 3 की पावर 0 × 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 4 प्लस, यहां पे देखो, सब में से 3 की पावर 1 कॉमन आ सकता है, सब में से 3 की पावर 1 कॉमन आ सकता है। फिर यहां पे 3 की पावर 2, और यार 2 था, सॉरी यहां पे 2 वापस। तो इसका मतलब गाइस, क्या मैं कह सकता हूं सम ऑफ डिवाइजर आपका ये हो जाएगा 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 × 1 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। राइट, होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली एरिया ऑफ ग्रिड, ये तो नहीं कह सकते। P1 P2 बेटा देखो यूनिक ही है ऑब्वियसली। अगर जैसे 12 है तो 12 को 17 थोड़ी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली उससे छोटे वाले प्राइम ही है। Why a+1 and b+1? देखो भाई, आपको P1 की कितनी पावर चूज कर सकते हो आप? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर a तक। तो 1 से लेकर a तक a नंबर्स होते हैं, 0 एक्स्ट्रा आ गया तो a+1, इसलिए a+1। समझेगा? ठीक है, अब मैं आपको वापस से समझाता हूं। ठीक है, इसी का सेम चीज का एग्जांपल लेके। ठीक है भाई, मेरा नंबर था n, मान लो एक नया एग्जांपल लेता हूं, नंबर एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं कह रहा हूं उसका, 3 की पावर 3 एग्जांपल। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसमें भाई? 5 + 1 × 3 + 1, राइट, 6 × 4 = 24। समझे? आप देखो ये, इसको इस तरह से समझो कि आपको a से b जाने के 6 तरीके और c, a b से c जाने के 4 तरीके। तो टोटल a से c जाने के कितने तरीके होंगे? 24 होंगे या नहीं होंगे बताओ भाई? आप इन 6 रास्ते में से कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हो, इन 4 रास्ते में से कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हो, है या नहीं? जल्दी बताओ। राइट, ठीक है, अब यहां पे समझ में आएगा। राइट, अब सम ऑफ डिवाइजर्स देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो क्लियर हो गया, अब सम ऑफ डिवाइजर्स। भाई सम ऑफ डिवाइजर होगा कैसे? देखो, सबसे छोटा डिवाइजर क्या लिखोगे आप? 2 की पावर 0,
अब टू की पावर जीरो के करेस्पॉन्डिंग आप थ्री की पावर जीरो ले सकते हो, टू की पावर जीरो के करेस्पॉन्डिंग थ्री की पावर वन ले सकते हो, टू की पावर जीरो के करेस्पॉन्डिंग थ्री की पावर टू ले सकते हो, ऐसे लिस्ट कर लो, यही तो ले सकते हो मैक्सिमम। फिर टू की पावर वन के करेस्पॉन्डिंग थ्री की पावर जीरो ले सकते हो, राइट यही तो कह रहा हूं। सिमिलरली हाईएस्ट टू की पावर क्या लोगे? अब मेरे बच्चों ये एक तरह से देखो, यहां पे अगर आप टू की पावर जीरो कॉमन ले लोगे, ठीक है, अब यहां पे देखो ये एक रो है, इस रो में से टू की पावर जीरो कॉमन लो, इसमें से टू की पावर वन कॉमन लो, कुल मिला के ये नंबर भाइयों इसके बराबर नहीं आ गया क्या बताओ, बताओ बताओ, राइट 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 राइट, राइट बोलो, नहीं बोलोगे मत बोलो, मेरे क्या है, कह रहा था मैं बोल दो टाइम रहते रहते, बट तुमने बोला ही नहीं भाई, जल्दी बोलो यार प्लीज जल्दी बोलो, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो यार, अलग से बोलना पड़ता है हमेशा। यस ये तो सम ऑफ जीपी हो गया फाइनली, सम स्टूडेंट भाई ये तो सम ऑफ जीपी हो गया, देखो टू की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, थ्री की पावर फोर माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, आंसर निकाले क्या, आंसर निकाल दें क्या बताओ, देखो टू की पावर सिक्स माइनस वन कितना होता है 63, थ्री की पावर फोर माइनस वन कितना होता है 80, हाँ हाँ 80 अपॉन टू 40, 63 इंटू 40 कितना होता है, 63 इंटू 40 कितना होता है 126,2520, ये आ गया क्या बताओ, बता दो बिटवा 2520 इज रॉन्ग बताओ। बेटा शुभम तेरा आंसर 2520 आया, इसका मतलब 2583 आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरा आंसर सही है हमारा गलत हो गया है, आईओ क्यूएम स्टफ बोलो, डन चलो, जनरल फॉर्मूला फाइनली यार, फाइनली किसी बच्चे ने थोड़ी समझदारी की बात की, बट ये प्रोसेस याद रखना यार, है ना, प्रोसेस याद रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूली, ठीक है, अब मान लो अगर P जो नंबर है ना N, वो क्या है, P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, P3 की पावर A3, Pn की पावर An, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, A1 प्लस 1 A2 प्लस 1 An प्लस 1, राइट, सम ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, P1 की पावर A1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, उसी फॉर्मूला को जनरलाइज किया यार, ना उसी जीपी को लिख रहा हूं यार, ना इसको अब इसमें टेंशन मत लेना यार, कितना डिफिकल्ट लग रहा है सर ये तो, ठीक है ना, अब इसमें टेंशन मत लेना यार, ठीक है, और इस फॉर्मेट में याद ना भी करना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, बताओ यस आई नो यतीश गोयल सर, बताओ बोलो
कोई बात नहीं सिद्धार्थ, क्या हो गया देवायु तेरे को? सर बाली का सोल्यूशन क्या होता है ना? है बाली का सोल्यूशन क्या होता है? ये कौन सी नई टर्म बता रहे हो? ठीक है चलो, अब इस पे एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किया जाए, इस पे एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन किया जाए, क्या बोलते हो? देखो क्वेश्चन नंबर वन, लेट एन इज इक्वल टू टू की पावर 10, 3 की पावर 15, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है? और फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज, दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, है ना? दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो हैज इंटीजर सॉल्यूशन। दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं आपको, दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ऊपर वाला करोगे? जिन्होंने ऊपर वाला कर लिया वो नीचे वाला भी करें। बताओ बोलो। नीचे वाले का भी 167 है, नीचे वाले का भी 176 है। ये तो आपने निकाल दिया, बधाई हो भाई। 11 × 16 176, ये भी वही आएगा क्या? ये थियोरी हम लोगों ने करी थी, याद करो, ये थियोरी हम लोगों ने करी थी। 176 ही आंसर आएगा इसका भी, इसका भी आंसर 176 ही आएगा, ठीक है? इसका आंसर भी ये आएगा। हाँ अभी तो पौन घंटा लगेगा। राइट राइट। अब देखो भाई, कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये दोनों कैसे सेम है, ये दोनों कैसे सेम है? मैंने आप लोगों को बताया था भाई, इसके अल्फा बीटा रूट मान लो, तो अल्फा बीटा 2 की पावर 10 × 3 की पावर 15 है, राइट? राइट, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर डिवाइजर्स ऑफ एन, ठीक है? अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू 2 की पावर 10 ली, तो बीटा फिक्स हो गया 3 की पावर 15, ठीक है? तो ये इसको कहता हूं मैं एक डिवाइजर पेयर, ये एक डिवाइजर पेयर है, राइट? इसमें देखो टोटल मिला के 88 डिवाइजर पेयर होंगे नहीं होंगे भाई? डिवाइजर पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई एक नंबर आप फिक्स कर दो, दूसरा नंबर अपने आप फिक्स हो जाता है ताकि वो मल्टीप्लाई होके एन दे, राइट? तो अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है नंबर भाई। रूट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिवाइजर तो हम कह रहे हैं, डिवाइजर तो हम कह रहे हैं, बट ये नंबर इस तरह से भी हो सकता था। इसका मतलब एक डिवाइजर पेयर आपकी दो वैल्यू ऑफ ए देगा, दो वैल्यू ऑफ ए देगा, देगा नहीं देगा? क्या कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि भाई एक डिवाइजर पेयर दो वैल्यू देगा, एक डिवाइजर पेयर में दो डिवाइजर आ जाते हैं, तो 88 डिवाइजर पेयर्स 176 वैल्यूज देंगे ऑफ ए, देंगे नहीं देंगे? लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल सिंप्लीफाइड लॉजिक है। वाह वाह क्या बात है अविनाश, अविनाश नाना, क्या बात है, क्या बात है, राइट? समझे क्या आप लोग? टेंशन ना लीजिए भाई, हम बोले थे आपको, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है?
बोलो, बट हाउ ए इज ऑल डिस्टिंक्ट। देखो दोस्तों, आज आपको बहुत मन की बात बताता हूं, मन की बात बताता हूं। अगर मेरे बच्चों अल्फा वन बीटा वन पी है, अल्फा टू बीटा टू पी है, और ये सब अलग अलग नंबर है, सब अलग अलग नंबर है, तो मेरे बच्चों अल्फा वन प्लस बीटा वन विल ऑलवेज बी नॉट इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू। समझे क्या? हमेशा, कभी आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई दो नंबर ले लो जिनका प्रोडक्ट और उसका रीजन है भाई, अगर आपका प्रोडक्ट और सम दोनों सेम हो गए तो वो एक यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो उसके दो ही रूट होंगे, राइट? अलग अलग हो ही नहीं सकते, राइट? राइट गाइस, इतनी सी बात है हमें तुमसे प्यार है, चलो जी आज का ना। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब सेकंड पार्ट है ना, वही एन था गाइस हमारा ना, एन हमारा अभी भी वही था, 2 की पावर 10, 3 की पावर 15। सेकेंड पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, कॉल दिस एक्स, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एक्स। बताइए। चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है हमें तुमसे प्यार ही। बताओ, दस देखो, अब ये कैसे होगा भाई? देखो, मैंने इसे कहा था, हर एक प्रूफ एक अपने आप में एक प्रोसीड्योर होता है ना, एक हर एक प्रूफ अपने आप में एक प्रोसीड्योर होता है। अब उस प्रोसीड्योर को हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए भाई, आपका जो नंबर है ये है, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका जो ए है ना गाइस, सॉरी डिवाइजर, आपका जो ए है वो इवन नंबर ही तो हो ना पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? तो 6 वैल्यूज, बी 0, 2 से लेकर 14 तक, मतलब 8 वैल्यूज। तो भाई ए की कितनी वैल्यू चूज कर सकते हो आप? 6। बी की कितनी वैल्यू चूज कर सकते हो? 8। तो 6 × 8 क्या आंसर आ जाएगा? 48, राइट? लमझे क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर? अब 48 के डिवाइजर्स निकाल लो भाई, 48 के डिवाइजर्स निकाल लो। 48 क्या होता है? 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, तो 5 × 2 10, राइट? कुछ बच्चे बोल भी रहे थे 10 आंसर आ गया, राइट? 14 कैसे भाई? आप ये देखो ना यार, 3 की पावर क्या क्या ले सकते हो भाई। सबसे पहले ये बेसिक अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला था आपको, बचपन से पागल बनाया जा रहा है कि भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में कॉलम मेथड ये सभी होते हैं, स्क्वायर रूट निकालना यही सब होता है। बट आप ये सोचो भाई, बेसिक फील क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर? ये डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर है तो भाई डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है ना मेरा, वो इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, बी
राइट, तो बी की 8 वैल्यूज पॉसिबल है, ए की 6 वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। इजी लगेगा बेटा, इजी लगेगा, दो तीन बार में इजी लगता है नंबर थे, ठीक है भाइयों। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आए ये लेक्चर वापस से देखें, इससे ज्यादा बेसिक मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। जितना बेसिक मैं अभी पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा बेसिक मैंने कभी नहीं पढ़ाया। थर्ड, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन विच आर लेस देन रूट एन, विच आर लेस देन रूट एन, बताइए निकाल सकते हैं क्या यार, ये निकाल सकते हैं क्या, निकाल लीजिएगा, कैसन निकालेंगे, बोलो अरे 13 थोड़ी था भाइयों, 15 था भाइयों, नंबर 15 था यार, चेक करो ना, मैंने बोला था ना पिछले वाले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, 15 था ना वहां पे, इसलिए 14 आया। समझे योगेश, राजीव मनोचा से बेटर बेटा वो है पाथफाइंडर सीनियर। अब देखो यार, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मैंने अभी अभी क्या बोला आपको भाई, टोटल डिवाइजर 176 है, इसमें से अगर मान लो डी वन इंटू डी टू है तो एक नंबर हर पेयर में एक रूट एन से छोटा होगा, एक रूट एन से बड़ा होगा, नहीं क्या, एक रूट एन से छोटा होगा, एक रूट एन से बड़ा होगा, तो 88 नहीं आंसर आ गया इसका, सिंपली 88 नहीं आ गया इसका आंसर, बताओ सिंपली 88 नहीं आ गया, सिंपल 88 नहीं आ गया, बोलो सिंपली 88 नहीं आ गया, राइट 87 नहीं होंगे, 87 नहीं होंगे गाइस, आप समझो भाई, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कहां है, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, ठीक है। जो ये इशू आता ना बाउंड्री वाला, देखो मैं आपको बताता हूं भाई, मेरे 176 पेयर में, ठीक है मान लो डी वन डी टू डी थ्री डी 176 इसके डिवाइजर्स है, राइट इसके डिवाइजर्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए मैंने, है ना, डी वन लेस देन डी टू लेस देन डी थ्री लेस देन डी 176। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या डी वन इंटू डी 176 इज इक्वल टू डी टू इंटू डी 175, ये सब इक्वल होंगे और ये हमें एन देंगे। अब गधों, इनमें से ये नंबर और लास्ट में ये नंबर जो होगा क्या आपका लेस देन रूट एन नहीं आएगा, तो 88 नंबर होगा ना रूट एन से छोटे, रूट एन से छोटे, राइट। थैंक्स अरविंद पाटिल, गद हो समझ में आया, वन आउट ऑफ एवरी पेयर इज लेस देन रूट एन, तो यही तो पूछा है गधो, यही तो पूछा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन विच आर लेस देन रूट एन, तो भाई हर एक पेयर में जब एक है तो 88 पेयर में 88 होंगे, यही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये कर डन बोल दो, डन बोलो भाई, अगला पार्ट करते फिर। बड़ा जिनको समझ में नहीं आया ना उस क्वेश्चन को पहले से फॉलो करें स्टार्टिंग से, वो वीडियो के बीच में गए हैं पक्का, तभी नहीं आया उनको समझ में, वरना तो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज तो अब है ही नहीं। फिर से एन क्या है,
2 की पावर 10, 3 की पावर 15. फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n स्क्वायर विच आर लेस देन n. अब बताओ नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर लेस देन n. Number of divisors which are less than n. 176, 175. कितने क्यूट लगते हैं मुझे बच्चे. मुझे वो बच्चे पता बहुत क्यूट लगते हैं जिनको लगता है कि अगर n में सर 176 divisors है तो n स्क्वायर में 352 होंगे. क्यों? क्योंकि सर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन और व्हाट मैथमेटिक्स दे आर यूजिंग बट समहाउ दे फील दैट एन स्क्वायर में 352 हो जाएंगे. आई डोंट नो व्हाई. और इसी वजह से वो बच्चे 176 जवाब देंगे. 175. देखो बच्चों हम क्या है मजे लेते रहते हैं बच्चों के तो बुरा मत मानना. गधों n स्क्वायर 2 की पावर 20, 3 की पावर 30. तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे. 21 इंटू 31 कितना होता है 26 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. 26 का स्क्वायर 676 651. यही होता है ना, यही होता है. ठीक है, अब ये तो नंबर ऑफ डिवाइजर आया. अब देखो अब यहां पे डिवाइजर पेयर का क्या लोचा है सर. डिवाइजर पेयर का लोचा बताओ अब, क्योंकि यहां पे तो ये ऑड नंबर आ गया. अब देखो गाइस ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर. सबसे पहले तो आप ये लिख लें, आप ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स. केवल परफेक्ट स्क्वायर्स के पास ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं. कहां है भाई, ऐसा कैसे? ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ऐसा कैसे? कई से ऐसा इसलिए मेरे बच्चों. फॉर्मूला क्या है? ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन. अब मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ ये ऑड नंबर आया तो ये सारे ऑड नंबर होने चाहिए ना, क्योंकि इवन नंबर एक ऐसी मछली है जो अगर इस तालाब में सम्मिलित हो जाए तो इस पूरे तालाब को इवन कर दे. ऑब्वियसली भाई इवन नंबर अगर एक भी हो गया तो गड़बड़ है. तो सारे ऑड है, सारे ऑड है बट प्लस वन होने के बाद ऑड है. इसका मतलब ओरिजिनली तो सब इवन ही होंगे. ए भी इवन होगा, बी भी इवन होगा, डी भी इवन होगा, और इवन पावर्स केवल परफेक्ट स्क्वायर्स में होती है. हाँ या ना, 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 बोलो बोलो, हाँ या ना, बोलो बोलो. ठीक है चलिए अब यहां पे हम देखते हैं. यहां पे भाई 651 है, डी वन, डी टू, डी थ्री, बट ये जो बीच वाला नंबर है ना क्या लिखे इसको यार, 326. ठीक है, अब इसमें d1 into d651 तो इक्वल होगा d2 into 650, बट ये जो ससुरा नंबर है ना d326 ये दुई बार मल्टीप्लाई होगा. और ये नंबर क्या है मेरे बच्चों, ये नंबर है n. तो अब बताओ कितने नंबर हुए, 325 ना हो गए. बताइए 325 हो गया ना इसका आंसर. फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n स्क्वायर व्हिच आर लेस देन n. तो भाई 326 इसको हटा दो, उसके अलावा 325 डिवाइजर पेयर्स है, 325 डिवाइजर पेयर्स है, उनके अंदर हर एक नंबर राइट. डन हो गया. है ना, बोलो बोलो.
सर क्या क्लास 8th का स्टूडेंट प्री आर एम ओ दे सकता है? देख बेटा डिपेंड करता है, अगर मतलब तू पूछ रहा है सर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब कि क्या एलिजिबल है, बिल्कुल है, ठीक है राइट। और फाइनली जो प्री आर एम ओ 2 मार्कर है, ये प्री आर एम ओ 2 मार्कर है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन यही आएगा, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स लेस देन एन विच डिवाइड्स एन स्क्वायर बट डू नॉट डिवाइड एन। ये है प्री आर एम ओ 2 मार्कर, ये है प्री आर एम ओ 2 मार्कर। इसलिए नहीं आया अलीशा बेटा, देख लेस देन एन पूछा बेटा अपने से, लेस देन इक्वल टू एन नहीं पूछा। तो जो 326 नंबर का जो प्राइम डिवाइजर है ना, वो जो डिवाइजर है वो एन खुद है, तो एन से छोटे 325 हुए। अभी उत्कर्ष अगले वाले क्वेश्चन में आएगा बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में आएगा। बोलो खिला दो रसगुल्ला, भूख लगी है, भूख लगी है। ठीक है ठीक है, अब देखो भाई समझना, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर लेस देन एन विच डिवाइड्स एन स्क्वायर, तो ये तो 325 हो गया। अब आप मुझे बताओ केवल बस डू नॉट डिवाइड एन, आपको वो माइनस करना पड़ेगा ना जो लेस देन एन हो और एन का डिवाइजर हो। देखो एन का डिवाइजर आपका 176 था, एन का डिवाइजर आपका 176 था, उसमें से एक खुद एन है, तो एन से छोटे एन के डिवाइजर कितने हुए 175। n से छोटे n के डिवाइजर अगर 175 हुए और 325 टोटल डिवाइजर्स है n स्क्वायर के जो n से छोटे हैं, तो इसमें से जो माइनस कर देंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो n स्क्वायर को तो डिवाइड करते हैं मगर n को नहीं करते, तो आंसर 150 आएगा। 150 राइट राइट गाइस, वास यूली विश्वास लमझे लमझे जे कर नंबर थ्री के बेटा 6-7 क्वेश्चन तो आएंगे, बट मैं बता रहा हूं बहुत कम एफर्ट में, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस में कम कॉन्सेप्ट में आपके नंबर आ सकते हैं। वो तो पूछेंगे इसमें बेटा लास्ट के दो डिजिट बता दो, इजी है देखो ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन इस तरह से बनाना। लेकर जान भी जाएगा मेरी, कातिल अब तेरा, शुरू नहीं लमझे। कोई बात नहीं बेटा, देखो कुछ चीजें एक दो बार में समझ में आती है, यूपी में नंबर थ्योरी से हो जाएगा। चलो एनीवे देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं भाई, 8th-9th क्लास में है ना, जैसे देखो जेई का बच्चा मुझसे पूछता है सर कोऑर्डिनेट कैलकुलस पढ़ने से मैथमेटिक्स में बढ़िया नंबर आ जाएंगे क्या, ये ठीक है। आप 8th-9th क्लास में मीडियोक्रिटी क्यों डेवलप कर रहे हो अपने अंदर? प्री आर एम ओ पहली बात तो आप हर साल दे सकते हो, 11वीं तक दे सकते हो, ठीक है, आप अभी इसे मीडियोक्रिटी डेवलप क्यों कर रहे हो अपने अंदर? मीडियोक्रिटी का मतलब ये होता है जब हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, एक्सीलेंस की बात नहीं कर रहे होते यार। क्या इस क्लास में हम लोग, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आई हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, क्या हम एक्सीलेंस की बात कर सकते हैं? एक्सीलेंस की बात ये होती है कि भाई हमें ये भी करना है, नंबर एलजेब्रा भी पूरी ढंग से करनी है, हमें सब चीजें मास्टर करनी है। एक्सीलेंस की बात हो सकती है क्या यार?
कोई हमारा ऐसा थोड़ी है कि भाई ये आखिरी चांस है प्रीआरएम को, सर कहीं कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। एक्सीलेंस की बात करो यार, एक्सीलेंस की बात करो सर, केवल नंबर थ्योरी से हो जाएगा? पहले लेक्चर में बच्चे डिसाइड कर रहे हैं सर नंबर थ्योरी तो छोड़ना है। भाई अगर तुम ऐसे छोड़ते जाओगे ना, तुम, मैं बता रहा हूं, तुम जेई करो, नीट करो, कुछ भी करो, आप एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे जो बहुत कम एफर्ट मार के चीजें सीखना चाहता है। और जो पर्सन ऐसा होता है ना, वो केवल सिलेक्शन पा सकता है, रैंक नहीं पा सकता। अगर रैंक पानी है ना, तो थिंक फॉर एक्सीलेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद, एक मिनट रुकना, विद फोर डिवाइजर्स, विद फोर डिवाइजर्स, बताइए चार डिवाइजर्स हो ऐसे कितने नंबर होंगे? वाह सिद्धार्थ, देख सिद्धार्थ इन सब चीजों से मैं कभी भी ऑफेंड नहीं होता बेटा। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार कल हैं, आगे क्या हो किसने जाना, जीना जिसे आता है वो खुद में ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। एक्सीलेंस बेटा देखो हैबिट में लाओ, पहले पहले बात तो देखो क्वेश्चन करेक्ट पूछो, क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, एफर्ट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या है कि पूछते बहुत ज्यादा, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत बार गाइस रास्ते के आगे रास्ता बनता जाता है। आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं मैं इसका, ठीक है, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। ये पता है तुम लोग थ्योरेटिकली जानते हो बट प्रैक्टिकली नहीं जानते, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, थ्योरेटिकली जानते प्रैक्टिकली नहीं जानते, सर ये कैसे करेंगे? मैं बताता हूं कैसे। रास्ते से रास्ता बनता है भाई, मुझे x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 चाहिए, तो मैं पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकालूंगा, मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा। अब ये सोचो मैंने ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 7 जनरेट हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका आएगा x की पावर 7 प्लस 1 पॉन x की पावर 7 प्लस x प्लस 1 बाय x, राइट, ऑब्वियसली यही आएगा। ठीक है, अब 47 इंटू 18 बचपन से आप लोगों को पता है कितना होता है, 6 12 8 46 8 46 होता है, 8 46 माइनस 3 8 43 आ गया, राइट, मेरे हिसाब से यही आएगा। अब आप बताओ, मैं आपको डायरेक्टली ये पूछता तो क्या होता, हैबिट एक्सीलेंस की होनी चाहिए। सर ये जो सारी स्टेप्स है ना बीच की, आपको ये पता चलता है जनरली लाइफ में, आपको ये पता चलता है ये क्या है कि बेटा होमवर्क पूरा करना है, ये फाइनल स्टेप, बट उसके बीच की जो हैबिट्स है ना वो आपकी खुद की है, समझेगा आप लोग, समझेगा आप लोग। चलिए
अब फाइंड नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद फोर डिवाइजर्स. अब देखो आप सोच के देखो फोर डिवाइजर्स किस तरीके से आ सकते हैं. ये है ये क्वेश्चन आते देखो एन या तो प्राइम नंबर वन इंटू प्राइम नंबर टू हो, क्योंकि देखो पावर वन होगी तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे फोर, या फिर आपका एन पी वन की पावर थ्री टाइप का हो तो कितने आ जाएंगे थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर. यही दो केसेस है. हाँ या ना, या तो वो परफेक्ट क्यूब हो या दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो. कितने बच्चे मानते हैं बात, कितने बच्चे ये बात मानते हैं? सिद्धार्थ बेटा सातवीं क्लास में सभी इतने बुद्धू होते हैं. सातवीं क्लास में तू ये क्वेश्चन कर रहा था, यही बहुत बड़ी बात है. अब देखो पहला वाला केस कंसिडर किया जाए, पहला वाला केस कंसिडर किया जाए कि भाई जो n है ना वो क्या है. देखो भाई प्राइम नंबर वन को टू ले लो, टू के करेस्पॉन्डिंग आप थ्री ले सकते हो, फाइव ले सकते हो, सेवन ले सकते हो, इलेवन ले सकते हो, 47 तक ले सकते हो. अब कितने प्राइम नंबर्स हुए, कितने प्राइम नंबर्स हुए लिखना ही पड़ेगा यार. कितने प्राइम नंबर को याद भी नहीं है पता है, तुम लोग बता ही दोगे, बट मेरे को पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर, तुम लोग मुझे बता दोगे कितने प्राइम नंबर है. या फिर अपन यहां काउंट कर लेंगे ना अभी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, बस ठीक है. अब इसके अलावा कितने होते हैं देखो, 33 नहीं होता, 37, 41, 43, 47. यहां चार ज्यादा है, चार प्लस एक पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है. तो इधर कितने नंबर आए गाइस, 14, इधर कितना है 9. समझे गए ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं सर, ये क्या कर रहे हो बकवास चीज क्या कर रहे हो. देखो एक नंबर मैंने लिया 2 इंटू 3 6, 6 के चार डिवाइजर्स है, या तो मैं 2 इंटू 5 ले सकता हूं. ये देखो ये पी वन है, ये पी टू है, ये पी वन है, ये पी टू है, समझे गए आप लोग. फिर पी को 5 लो, 7, 11, 13, और याद रखना दो डिजिट का ही चाहिए, दो डिजिट का ही चाहिए. 7 लोगे, 11, बस 7 भी है, सॉरी 13 भी आएगा, सारी सरू बात छे, सारस सारस छे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 14, 30 नंबर तो ये हो गए. अब परफेक्ट क्यूब लो, परफेक्ट क्यूब कौन से होंगे भाई, 3 क्यूब 4 क्यूब ये दो होंगे, तो 32 केसेस आ गए. आपके भी 32 आएगा, आपके भी 32 केसेस आएगा. हाँ ये भी तो है, फिर ये रिजेक्ट करो यार, सिंगल डिजिट है वो, डबल डिजिट पूछा है, ये रिजेक्ट होगा, तो इधर 13 ही आएंगे. सही बात है, बाकी तो सब शायद सारे सही है, बाकी तो 13 तो 31 हो गए आपके, 31 नंबर हो गए, 31. सिंगल डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट नहीं लेना गाइस. बताओ यस, थ्री को हटा दो, थ्री को हटा दिया मैंने गाइस, बोलो. फोर इज नॉट प्राइम, फोर कहां लिया मैंने भाई, मैंने फोर कहां लिया, फोर कहां दिखा आपको. ओहो यस, ये भी हटेगा, क्या बात बोली यार बच्चों ने, यार क्या बात बोली है, वेरी गुड. फोर फोर प्राइम थोड़ी है यार, कैसी बातें करते. 30 आंसर आया, 30 पे लॉक किया जाए, 30 पे लॉक किया जाए, 30 पे लॉक किया जाए. Can anyone say why Aman Goel, despite being AIR 33, is JEE Advanced 2013 is not more successful as? भाई तो कैसी कैसी बच्चों जैसी बातें करता है तो यार, ये तो बच्चों जैसी बात हो गई भाई. JEE rank पूरे जीवन भर की सक्सेस थोड़ी देती है यार, आगे भी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो.
बोलो भाई, डन। 30 समझे? देखो बेसिकली अब ये ना, ये प्योर हिट एंड ट्रायल है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, मैंने क्या बोला था कि भाई ये सबसे ज्यादा नॉन रूटीन पार्ट है और इसमें मैक्सिमम टाइम तो पता है काउंटिंग करते रहेंगे, हम काउंट करेंगे। देखो मैं सिंपल ही बोल रहा हूं, यहां पे नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, यहां पे नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। भाई नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 कैसे कर सकते हो आप? नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 गाइस कैसे कर सकते हो आप? नंबर ऑफ डिवाइजर्स 4 करने का तरीका ये है, या तो वो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो या फिर एक परफेक्ट क्यूब हो, राइट? अब दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दो डिजिट का नंबर कैसे आ सकता है? प्राइम नंबर को लिस्ट कर लो और वो लिमिटेड होंगे। पहले ही बात आपके दिमाग में ये बिलीफ आना चाहिए कि लिमिटेड नंबर होंगे। मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कि दो नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, कभी ना कभी पक्का दो नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड गाइस केवीपीवाई का पीवाई क्यों देता हूं, केवीपीवाई का पीवाई क्यों देता हूं, ये आप पक्का कर पाएंगे। फाइन, नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स, सिक्स डिजिट नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म, विच आर ऑफ द फॉर्म ये बी ये बी ये बी एंड प्रोडक्ट ऑफ सिक्स डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ओनली, ओनली इनमें और कुछ नहीं आना चाहिए, इसमें और कोई मिलावट नहीं चाहिए, केवल छह प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। टू क्यूब बेटा सिंगल डिजिट होगा ना अशु, टू क्यूब सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट चाहिए ही नहीं हमें। बोलो, वीडियो लाइक वीडियो लाइक वीडियो लाइक, कौन करेगा वीडियो लाइक? अरे बाप रे, वीडियो लाइक कौन करेगा? आप नहीं करोगे? बोल दो ना जरा, पीवाई क्यों है? हाँ बिल्कुल 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 सही बात है शुभम श्रेयस, मैराथन सेशन नहीं है बेटा ये, मैराथन सेशन नहीं है ये, क्वेश्चन ही समझ गया है ये। देखो अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, सबसे पहला हिंट दे देता हूं आपको, क्वेश्चन समझाता हूं बेटा। देखो भाई आपका जो नंबर है ना मेरे बच्चों, वो ये है ए बी ए बी ए बी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले आपका दिमाग ये चलना चाहिए, ये स्टेप वन है। यहां तक कितने बच्चे पहुंचे ऐसे सोचो, ठीक है? ये स्टेप वन, ठीक है? अब ये नंबर छह डिजिट का नंबर है, छह प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये 10101 एक फिक्स नंबर है, इसको फैक्टराइज कर लो भाई। देखो 3 से डिविजिबल दिख रहा है आपको ये, फिर 3367 आएगा, 7 से डिविजिबल हो गया, करके देखना पड़ेगा, है ना? मैं भी कर ही रहा हूं, मैंने भी सॉल्व किया हुआ है। चार प्राइम नंबर तो आपको ये दिख गए, इसका मतलब मेरे बच्चों ये नंबर ऐसा है, राइट? अब आपका क्वेश्चन पता है क्या हो चुका है, अब आपका क्वेश्चन ये है ए बी
इज अ टू डिजिट नंबर, राइट? ए बी इज अ टू डिजिट नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स एंड दे आर नॉट 3, 7, 13, 17. ये समझे नहीं समझे आप बताओ, ये स्टेप टू है, स्टेप टू है, समझे क्या आप लोग, राइट? राइट भाई, छह क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ छह डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ छह डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ छह डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, सर व्हाई यू चोज 101? भाई मेरे को सीधी समझ में आती है बात यार, 12 × 10101 12 12 12 होता है, होता है नहीं होता, नंबर की समझ है तो यार, नंबर की समझ है तो समझे 37 बोलो, राइट 37 राइट, क्लियर? क्लियर हो गया क्या? दिव्यानंद, हाउ यू आर एबल टू थिंक एन इक्वल टू, मैं यही तो कह रहा हूं यार, मैं इसको फैक्टराइज करने की सोचूंगा, देखो मैंने असली बताऊ ना, सबसे पहले जब किया था ना, इतना ऑब्वियस भी नहीं है, मैंने पता क्या किया था, मैंने ये किया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट? ऐसे लिख सकता हूं ना, बताओ, फिर मैंने सारे बी को ऐड किया, सारे बी को ऐड करो, सारे ए को एक साथ ऐड करो, तो ये आ गया 101010A + 101010B, फिर इसमें से 10101 कॉमन आ गया, इनटू 10A + B, अब 10A + B क्या है, टू डिजिट नंबर AB है या नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोलो, राइट? अब देखो, अब आपको AB के लिए पहला प्राइम नंबर 2 ले लो, पहला प्राइम नंबर 2 ले लो, 2 के करेस्पॉन्डिंग 5 ले सकते हो, लिखना पड़ेगा इस बार ना, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, नहीं 7 नहीं ले सकते, पाप हो जाएगा, 7 नहीं ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो, क्या आएगा यार, 5, 7, 11 30 नहीं ले सकते, 17 ले सकते हो, 19 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, 29 ले सकते हो, 31 ले सकते हो, 33, 35, 37 नहीं ले सकते, 39 नहीं ले सकते, 41 ले सकते हो, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके करेस्पॉन्डिंग तो 10 के हिसाब से, 3 तो ले ही चुके हो आप, 5 ले सकते हो, 5 के करेस्पॉन्डिंग तू यहां ले चुके हो, 11, 17 राइट, 11, 17 ये 2 आ गए, और 19 भी 3 आ गए, बस यही आएंगे और क्या, 13 केसेस, राइट गाइस, 13 केस आ गए, आया नहीं आया, बोलो, बोलो 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 बोलो, शितिकांत आया था भाई, हमारे टाइम पे फर्स्ट रैंक थी शितिकांत, अरे बुआ अरे बोल दो ना जरा, नहीं बोलोगे भाई, फील आई नहीं आई आज, ये बताओ फील आई या नहीं आई आज, फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स की, फैक्टर्स एंड मल्टीपल की डिवाइज, फील आई या नहीं आई, राइट? आउट ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, डिवाइजर्स का ही तो हुआ, देखो आप डिवाइजर्स का ही तो हुआ, और केवीपीवाई का पीवाई क्यों है, केवीपीवाई का पीवाई क्यों है, जब आप मेरी शीट सॉल्व करोगे ना नंबर थ्योरी की, तब सॉल्व करोगे आप, इसीलिए मैंने केवीपीवाई के क्वेश्चंस भी डाले, केवीपीवाई के क्वेश्चंस डायरेक्टली 2 मार्क कर जा सकते हैं प्री आरएमओ के, ठीक है, इसलिए केवीपीवाई के सारे पीवाई क्यों करके जाना है, बेटा मेरे से पढ़ने के बाद सोचेंगे, ठीक है,
ज्ञानी लोगों ये टफ है 10101 सोचना, बट आप मेरे से पढ़ लिया ना उसके बाद सोच लेना। अगर मेरे से पढ़ने के बाद मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं सोच पाए तो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो राइट, सो गाइज आई होप आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली जो नो योर प्रोग्रेस है वो कर लेना यार, ठीक है। जो नो योर प्रोग्रेस वो वाला है ना, वो वाला कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया नो योर प्रोग्रेस कौन सा वाला करना है आपको, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, राइट गाइस, ठीक है।